के संघर्ष के वजह से मोदी सरकार को पीछे हटना पड़ा और भी कि बिहार में जनता ने भाजपा को उखाड़ करके फेंक दिया, आने का खेल बंद किया जाए और जो कानून भूमि अधिग्रहण से मोदी योगी की सरकार उत्तर प्रदेश पूरे देश में आई है, आपने देखा को अधिग्रहित किया जाए कि फोर लेन के नाम पर या बड़वा गोदाम की बाजार पड़ रही है और मुआवजे के नाम पर कुछ है नहीं, मुआवजा सही ढंग से नहीं दिया जा रहा है, लोगों के मकान का मुआवजा आ गया है वो भी सही नहीं दिया गया है, नोटिस भी नहीं दी गई है। हम कह रहे हैं कि सबसे पहले हमको जमीन का मुआवजा मिलना चाहिए था, इसके बाद मकान का मुआवजा मिलना चाहिए था, नोटिस देनी चाहिए थी कि आपका इतनी जमीन जा रही है, इतना मकान जा रहा है, इस रेट से आपका जो है कि मुआवजा बना है, तब हम संतुष्ट होते। बगल में दलित बस्ती बसी हुई है, लोगों को उजाड़ा जा रहा है, भूमि अधिग्रहण कानून का उल्लंघन किया जा रहा है 2013 का, सबसे पहले उनको मुआवजा दे दिया जाता, कहीं उनको आवास बना करके व्यवस्थित कर दिया जाता, इसके बाद उजाड़ा जाता। लेकिन इस सरकार में, मोदी योगी की सरकार में, गरीबों को और व्यापारियों को उजाड़ने की साजिश चल रही है, इससे सारे लोग नाखुश हैं क्योंकि इनके साथ अत्याचार हो रहा है, गलत व्यवहार हो रहा है, जो उचित मुआवजा मिलना चाहिए लोगों को वह नहीं मिल रहा है, इससे लोग अगर या उचित मुआवजा जब तक नहीं देंगे लोग संतुष्ट नहीं होंगे, यह आंदोलन तब तक चलता रहेगा।